सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास फर्स्ट की उर्दू पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और हम लोगों ने वर्ड्स को बनाकर सेंटेंस बनाया था। सेंटेंस से पूरी कहानी टाइप का पूरा पैराग्राफ पढ़ा था कल हम लोगों ने, और आप लोगों से बोला था कि आप लोग इसको लिख लीजिए बिना देखे और देखकर। और आज हम इसी को लिख कर बतलाएंगे कि कैसे लिखते हैं। एक मरतबा पहले देख लेते हैं चैप्टर नंबर 16 और पहले पढ़कर देख लेते, उसके बाद आज हम लोग इसको लिख कर देखेंगे। देखिए, अल्लाह एक है, सारी दुनिया का मालिक वही है। उसने जमीन, आसमान, पहाड़, नदी, नाले और समंदर बनाया। दुनिया की जितनी जानदार चीजें हैं सबको अल्लाह रोजी देता है। अल्लाह ताला सबको खिलाता है, सबको रोजी अल्लाह देता है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और करीम है। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है, इस जरूरी है कि अल्लाह के हुक्मों को माने, बुराई से बचे और नेकी के रास्ते पर चले, तभी हम अल्लाह के नेक बंदे बन सकते हैं। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए, तब अल्लाह हमसे खुश होगा। एक मरतबा इसको हम लोग लिख कर देख लेते कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। चलिए पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, अल्लाह। अल्लाह देखिए, देखिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सारी दुनिया का मालिक वही है। सारी दुनिया का मालिक वही है। उसने जमीन, आसमान, पहाड़, नदी, नाले और समंदर बनाया। दुनिया की जितनी जानदार चीजें हैं, दुनिया की जितनी जानदार चीजें हैं, सबको अल्लाह रोजी देता है, सबको अल्लाह रोजी देता है। अल्लाह ताला सबको खिलाता है, अल्लाह ताला सबको खिलाता है। सबको रोजी अल्लाह देता है, सबको रोजी अल्लाह देता है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और करीम है। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है। इसलिए ये जरूरी है कि अल्लाह के हुक्मों को माने, अल्लाह के हुक्मों को माने, बुराई से बचें, बुराई से
बचे और नेकी के रास्ते पर चलें, और नेकी के रास्ते पर चलें, तभी हम अल्लाह के नेक बंदे बन सकते हैं। तभी हम अल्लाह के नेक बंदे बन सकते हैं। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए, तब अल्लाह हमसे खुश होगा, तब अल्लाह हमसे खुश होगा। तो देखिए, हम लोगों ने ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिख लिए हैं, और आप लोग अपनी नोटबुक में मिला लीजिए कि किस तरीके से हमने लिखा है। और आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगी। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप पूछिएगा बिना झिझक, मैं उसको जरूर बताऊंगी। और आप लोग इसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करिए, पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। और इसकी एक्सरसाइज है, देखिए इसकी जो एक्सरसाइज है कल हम लोग इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। इसके वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।